हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीकेए वैल्यूज रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, राइट। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले पीकेए क्या होता है। पीकेए होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के, ठीक है। और के ए क्या होता है? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, या ये कहें कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। के मतलब होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और के का मतलब होता है कि ए लगा दिया तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि डिसोसिएशन किसका हो रहा है, एसिड का हो रहा है, और वहां पर वो इक्विलिब्रियम में है। सो यानी कि अगर आपका कोई एसिड है एच ए, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा अपने डिसोसिएटेड फॉर्म के साथ में, एच पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव के फॉर्म में। सिंस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये एसिड के लिए है और एसिड का भी डिसोसिएशन हो रहा है, तो स्पेसिफिकली इसको बोल देते हैं के, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। यही तो होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इट इज दिस के ए। अब देखिए, जो के ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच पॉजिटिव से, यानी कि अगर हायर वैल्यू होगी के ए की तो हायर वैल्यू होगी एच पॉजिटिव की। यानी कि वो क्या होगा, हायर वैल्यू अगर एच पॉजिटिव की होती है तो वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्लियर। और के ए और पी के ए का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। सो अगर के ए हायर है तो पी के ए कैसा होना चाहिए, लोअर होना तो ये चाहिए, तब जाके वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, सबसे लोएस्ट पी के ए वैल्यू। और अगर ये सारी पावर्स नेगेटिव में दे रखे हैं तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 10^-8, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। Rest are incorrect. I hope you understood this question really very well. Thank you.